स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, तो चलिए पढ़ते हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया तो पोर्टल से हटेगा डाटाबेस। ये आपका भागलपुर ज़िले से है। राज्यभर के शिक्षकों का 25 जून से शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस ऑनलाइन बनाया जा रहा है। अब इसका एक महीना पूरा होने वाला है। इसके बावजूद 19 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले में 870 ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं। राज्यभर में ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 30,000 है। इसे देखते विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है। अब इसकी खोजबीन शुरू हो गई है कि आखिर किस कारण से शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं। इसे लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के MIS ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। उसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि 24 जुलाई तक इन शिक्षकों की उपस्थिति शिक्षा कोर्स ऐप पर दर्ज करवाई जाए, नहीं तो इन शिक्षकों का डाटाबेस ही शिक्षा पोर्टल से ही हटा दिया जाएगा। इसके बाद भविष्य में इन शिक्षकों द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर उसकी सारी जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि MIS पर भारी और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कौन से शिक्षक किस कारण से अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं, उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। जिले के कितने शिक्षक छुट्टी पर है उसकी सूची अविलंब दें। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने DPO स्थापना को निर्देश दिया है कि जिले में कितने शिक्षक वर्तमान में लंबी छुट्टी पर हैं, कितनों का स्थानांतरण हुआ है, उनकी सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने MIS प्रभारी को DPO स्थापना से विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, मेडिकल छुट्टी, स्थानांतरण वाले सभी शिक्षकों की सूची लेकर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा निरीक्षण में जाने वाले कर्मी को भी निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षक किस स्कूल में अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं उसकी सूची चिन्हित करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराएं। इसके अलावा अगर अटेंडेंस बनाने में किसी तरह की परेशानी या तकनीकी परेशानी हो रही है तो इसकी भी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त विभाग के निर्देश के अनुसार जो शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाएंगे उनकी हाजिरी काट दी जाएगी, साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा। इसलिए शिक्षकों से भी अनुरोध है कि अगर उनका ऑनलाइन अटेंडेंस किसी कारण नहीं बन रहा है तो इसकी सूचना विभाग को दें, ताकि उनका ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना शुरू कराया जा सके। 24 तक ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर ऑनलाइन अटेंडेंस बनवाने का निर्देश दिया गया है। 30,000 लगभग ऐसे राज्यभर में शिक्षक हैं जिन्होंने अटेंडेंस नहीं बनाया, तो संज्ञान लिया जा रहा है। और जो लंबी छुट्टी पर है वो भी बोला गया है अपडेट करने के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ नया होता है। जो भी होगा आपको हमारे चैनल पर देखने सुनने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।